मनु भाई, हीरू भाई और साथ में हे भाई भी यहाँ पे मेरे साथ कश्मीर से बाहर हैदराबाद में मिलने का मौका मिला। तो भाई गया था मैं, इसके अंदर बच गया। के टिकट्स तो हमने ले लिए, अभी चलते हैं अंदर। अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे आप सब? होप कि आप सब ठीक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय न्यू एंड फ्रेश व्लॉग। तो आज मैं आया हूँ गोलकुंडा फोर्ट पे। ये रहा गोलकुंडा फोर्ट का टॉप, तो ये एंड पॉइंट है यहाँ पे। जैसे कि आप सबको पता है, मैं हैदराबाद को पिछले 6-7 दिन से एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो मेरी किस्मत अच्छी है कि आज मनु भाई, हीरू भाई और साथ में ये भाई भी यहाँ पे मेरे साथ। अगर रू भाई के व्लॉग देख रहे हो तो ये सारे तीनों भाई जो है ये ऑल इंडिया टूर पे निकले हुए हैं। अभी 23 डेज हो चुके हैं। तो ये ट्वेल्व स्टेट्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। टोटल हमारा लगभग 16,000 का था, उसमें से हमने जस्ट अभी 5,200 किलोमीटर कवर किए हैं, अभी बाकी सारा बचा हुआ है। तो ये तो 70% बिल्कुल हम कश्मीर में कभी नहीं मिले ऐसे। कश्मीर से बाहर हैदराबाद में मिलने का मौका मिला, तो चलो मिलते आगे। तो इस टाइम हम पहुंच चुके हैं गोलकुंडा फोर्ट के टॉप पे। तो यहाँ से बाहर का व्यू कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ से होकर हम आए ऊपर, पूरी खाते ये वाला साइड। भी मन्नू भाई बना रहे रील्स और ये भाई कर रहे हैं वीडियोग्राफी। तो अभी इस फोर्ट में आहिस्ता आहिस्ता भीड़ बढ़ने लगी, स्कूल के बच्चे भी यहाँ पे आ जाते हैं स्कूल के साथ। तो रील्स बनाने की लत ने ना देखो भाई को कहाँ पहुँचा दिया। रील्स के चक्कर में नीचे ना पहुँचे। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो सीढ़ियाँ हैं ना यहाँ पे लगभग 750 सीढ़ियाँ हैं। तो हम तो ऊपर चढ़ के वापस आ गए। तो हमारे साथ एक भाई है, वो कंटिन्यू ये सीढ़ियाँ गिन रही है। देखते लास्ट में सच में 750 होती है कि नहीं। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक जगह, ये वाली, ये वो वाला पॉइंट है जहाँ पे तिजारत का काम हुआ करता था उस टाइम में। तो मतलब दूसरे कंट्री से जो बादशाह लोग आते थे इस फोर्ट में तिजारत करने के लिए, तो यहाँ पे जमा होके वो यहाँ पे तिजारत का काम किया करते थे, लेन देन का काम। तो यहाँ से आप अच्छे से देख सकते हो इस गोलकुंडा फोर्ट का व्यू। तो यहाँ पे नमाज पढ़ते थे बादशाहों के टाइम में, और वो टॉप से हम आया भी। अरे भाई गया था मैं, इसके अंदर बच गया। बहुत रिस्की एरिया ये, यहाँ पे गुम होने का खतरा है। और अभी होने का खतरा इधर ही है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी आए इस पॉइंट पे, यहाँ पे करेंगे थोड़ा बहुत शूट, क्योंकि यहाँ से ये वाला व्यू मस्त है और वहाँ का व्यू भी अच्छे से आ रहा है। तो यहाँ से इसका फाइनल व्यू है गोलकुंडा फोर्ट का, और यहाँ से देखते हो कहाँ से हम आ रहे थे, वहाँ से हमें वापस जाना है। तो ये रहा पूरा इसका व्यू। रूप भाई, मनु भाई यहाँ पे रील्स बना रहे थे अभी तक। तो अभी यहाँ पे लगभग कंप्लीट हो चुका है हमारा ट्रिप आज का, तो अब निकलने का सोचेंगे यहाँ से। कुछ अलग से ही डिजाइन बनाया हुआ यहाँ पे। तो अभी हम गोलकुंडा फोर्ट से निकल रहे हैं वापस, खाना पीना करने के बाद। रूफ भाई बोल रहे और मनु भाई बोल रहे थे कि हम जाएंगे सेवन टॉम्स, वहाँ पे कुछ रील्स बनाएंगे। तो अब गोलकुंडा फोर्ट को कहते हैं बाय,
तो जाके खाना पीना करते हैं, उसके बाद जाते हैं सेवन टॉम्स। तो अभी हम पीने वाले हैं गन्ने का जूस, यहाँ पे पियेंगे हम गन्ने का जूस। देखो कैसे बनाते हैं जूस। गर्मी में सबसे बेस्ट है गन्ने का जूस ही पीना। तो ये रहा गन्ने का जूस। तो ये रही रूबाई की गाड़ी, पूरा मैपिंग करके रखा है K2K टू कश्मीर। लेकिन अभी यार पूरा इंडिया टूर कर रहे हो तो गंदी तो होगी, रोज तो नहीं धो सकते हो। बिल्कुल हाँ, वहाँ पे वॉशिंग करेंगे फिर उसके बाद भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पूरा मैप बनाया हुआ है, आप चेक कर सकते हो यहाँ से ये, और यहाँ से K2K मस्त है यार। तो अब क्या कर सकते हैं, हमें टाइम भी हमारे पास कम है, तो बैठ जाते इस गर्म सीट पे। ओहो हो हो हो, मर रहे यार, जल गए, हालात खराब पीछे से। चलो करते हैं जुगाड़ थोड़ा बहुत। गोलकुंडा फोर्ट से निकलने के बाद अब भी हम आए सेवन टॉम्स में, तो यहाँ पे शूट करने का छोटा सा हमारा प्लान है, तो कंप्लीट करने के बाद यहाँ से भी निकलते हैं। रूफ और मनु अभी यहाँ पे कुछ रील्स बना रहे हैं, तो इसके बाद निकलते हैं हम आगे। तो पिछली बार आपको ये म्यूज़ियम मैंने नहीं दिखाया था, तो इस बार आप देख सकते हो। आज दिन भर बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हमने, तो उसी के साथ अब इस वीडियो को भी एंड करने का टाइम आ गया। तो अब आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, लेकिन आज बहुत मज़ा आया रूबाई और मनु भाई के साथ यहाँ पे हैदराबाद को एक्सप्लोर करने में, और साथ में एक और भाई भी थे। तो आपसे मिलते हैं आगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।